मुजफ्फरपुर जिले के प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां आधी रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की ग्रामीणों ने शादी करा दी। ये घटना जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सराजाबाद पंचायत का है, जहां सराजाबाद पंचायत निवासी मोहम्मद फरोज का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सिराज रात करीब 1 बजे अपने घर के पास ही अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। वहीं प्रेमी के पहुंचने की कुछ देर बाद ही प्रेमिका के घर वालों ने दोनों को रंगे हाथ घर दबोचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी। घटना के बाद लड़की पक्ष के परिजनों ने समाज सेवी प्रवीण कुमार व लड़के के पक्ष के परिजनों को बुलाकर दोनों पक्ष के लोगों के बीच पंचायत बिठाई, जिसमें दोनों प्रेमी जोड़े की प्रेमिका के घर पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी में शादी करा दी गई। पूरा गांव को पता हो गया इस बात कि 2.5 साल से इस बच्चिया के साथ उसका संपर्क है। तो भाई जैसे हमारी बहन बेटी है वैसे इनका भी बहन बेटी है, समाज की भी है, बच्चिया का भी इज्जत का भी है, उसके परिवार का भी, समाज का भी सम्मान रखने के लिए मेरे समझ से दोनों को शादी कर देना। स्थानीय जो वर्तमान मुखिया जी हैं और आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ परिजनों की तादाद में जो है सभी समाज के लोग जो है इस पंचायत भवन पर आए हैं और दोनों परिवार के सहमति से बगैर किसी दान दहेज का बगैर किसी दबाव से दोनों लोगों की आपसी सहमति से यह शादी आज के डेट में ही यह शादी संपन्न ईसा के नमाज के बाद जो है रात्रि के 9 बजे सभी समाज के बीच में निकाह की जाएगी। क्या लग रहा है भैया, अगर ये शादी निकाह अगर किया जाएगा लड़का लड़की के आपसी विवाद में भी कुछ शंका है क्या? आप देख सकते हैं पंच परमेश्वर होता है, आप यहाँ देख सकते हैं इस पंचायत भवन पे मुखिया जी बैठे हैं, तमाम सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आपके सामने हैं और समाज के बीच में जो है ये दोनों पक्ष की सहमति बनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों परिवार का जो आगे की जिंदगी जो होगा काफी खुशहाल होगा और यही ऊपर वाले से हम लोग कामना भी करते हैं। अगर इस तरह का अगर होगा तो समय क्या ठोस कार्रवाई उठाया जाएगा? जो भी कानून संवैधानिक जो प्रावधान बनता है वो बनेगा। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ? अरे यहाँ तो ऑटो फायर्स का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फायर का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से।